भारत में औसतन साल में करीब 300 दिन धूप निकलती है, लेकिन बिजली की भारी कमी है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से पूरे देश को फायदा मिल सकता है। भारत सरकार इसमें अरबों का निवेश कर रही है, साथ ही निजी पहलकदमियां भी हो रही हैं। ले चलते हैं आपको राजस्थान के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, जहाँ खाना भी सोलर पावर से बनता है। राजस्थान का माउंट आबू, जी हाँ, ब्रिटिश काल में विकसित शहर। माउंट आबू ने जर्मनी के गोलो पिल्स पर ऐसा जादू डाला कि वो करीब 20 साल से यहीं रह रहे हैं। वो योगी बन गए हैं और ध्यान करना उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन और भी कुछ है इस जोगी के जीवन का हिस्सा, वो है थर्मल सोलर प्लांट बनाना। यहाँ करीब 800 ढांचे खड़े हैं। इन पर खूब बड़े सोलर पैनल लगाने होंगे। वैसे तो पिल्स पेशे से बड़े ही हैं, लेकिन उन्होंने सौर ऊर्जा तकनीक में भी ट्रेनिंग ली है। हमारे पास नए तरह के रिसीवर हैं जिनसे हम ऊर्जा जमा कर सकते हैं 16 घंटे तक, और हम इस संयंत्र को 24 घंटे लगातार चलाना चाहते हैं, जो दुनिया में एकदम नया होगा। कहीं भी रात दिन चलने वाला थर्मल सोलर प्लांट नहीं है। इस सोलर पार्क को भारत और जर्मनी दोनों सरकारों से आर्थिक मदद मिल रही है, क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय सौर नीति के तहत एक मॉडल प्रोजेक्ट है। भारत सरकार बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना चाहती है, और अभी ये सिर्फ 1% है। इस संयंत्र से पूरे ब्रह्म कुमारी आश्रम को बिजली मिल सकेगी। यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम का मुख्यालय है, गोलो पिल्स भी इसका हिस्सा है। साल में कई बार ब्रह्म कुमारी समुदाय के करीब 20,000 भक्त यहाँ के आश्रम में आते हैं। माउंट आबू में रहने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा नहीं है। ब्रह्म कुमारी दर्शन पर्यावरण से जुड़ा है। यहाँ की छत पर पहले से ही छोटे सोलर पैनल लगे हैं, जिनका उपयोग रसोई के लिए होता है। इनसे स्टीम बनती है और स्टीम से पकता है दिन भर का खाना। यहाँ 3 बार दिन में ताजा खाना बनता है, सभी श्रद्धालुओं के लिए शाकाहारी भोजन। ब्रह्म कुमारियों का मानना है कि सौर ऊर्जा से बना खाना पवित्र और पौष्टिक होता है। गोलो पिल्स की इस संयंत्र को बनाने में अहम भूमिका है। अपने साथियों के साथ वो तकनीक टेस्ट करते हैं जो भारत में आसानी से बनाई जा सके। कास्ट आयरन से बने पाइप को इंसुलेट कैसे किया जाए, और ये सब सस्ता और कॉपी करने में आसान हो। अभी एक टरबाइन भी फिट करनी है जो भविष्य में ऊष्मा से बिजली बना सके। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है। हालांकि यहाँ पर सभी काम स्थानीय लोग ही कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट फिर भी महंगा है। इसका एक कारण तो भारत में बढ़ती महंगाई है। सोलर पार्क से आश्रम खुद के लिए बिजली बनाना चाहता है, लेकिन साथ ही कोशिश है सोलर थर्मल क्षेत्र में शोध की भी। भारत और जर्मनी दोनों ही सरकारों की सौर ऊर्जा के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिलचस्पी है, इसलिए उसे जरूर मदद मिलेगी। इससे आश्रम को ही नहीं, कभी ना कभी पूरे भारत को फायदा होगा।